I am Eskim Shira and I welcome you. तरफ तरफ शब्द का कितना इस्तेमाल होता है। She looked at me, उसने मेरी तरफ देखा। I looked at her, मैंने उस लड़की की तरफ देखा। Look at, look के साथ ऐसा लगता है, तरफ देखना। तरफ की अंग्रेजी दोनों दी है मैंने, डायरेक्शन साइड, उसका भी यूज भी बताया है। तरफ, इन विच डायरेक्शन इज द पोस्ट ऑफिस, इज द स्कूल, इज द हाउस। इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में, किस तरफ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस किस तरफ है। इन विच डायरेक्शन, किस तरफ। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर बुक, आंसर बुक कहलाती है जो एग्जाम में आपको कॉपी मिलती है, उसे आंसर बुक कहते हैं अंग्रेजी में। आंसर बुक है, वास्तव में कॉपी तो नकल को कहते हैं, जैसे फोटोस्टेट कॉपी। राइट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लिखो। पहले बच्चे क्या करते थे, एक तरफ लिखते थे, आंसर बुक के नोटबुक के एक तरफ लिखते थे और दूसरी तरफ खाली छोड़ देते थे। अब दोनों तरफ लिखना जरूरी होता है, तो इसीलिए मैंने यह अंग्रेजी बनाई है, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर बुक या नोटबुक। नोटबुक यानी कॉपी के दोनों तरफ लिखो। कॉपी माने आंसर बुक कभी नहीं होता है, नकल होती है। आर यू ऑन माई साइड और हिज साइड। दूल्हे राजा, एक फिल्म आपने जरूर देखी होगी गोविंदा की, बेहद बढ़िया कॉमेडी फिल्म है, बहुत शानदार है। उसमें ये एक डायलॉग है, उसके द्वारा बोला गया है, जो गोविंदा के द्वारा बोला गया है, तुम किसकी तरफ हो। जॉनी लीवर से कहा गया है, जॉनी लीवर से कहा है, तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो। आर यू ऑन माई साइड और हिज साइड, अरे भाई तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस करें तो दाएं और बाएं, बाई तरफ और दाई तरफ जरूर झांक लें, दोनों तरफ देख करके। और जब आप महसूस करें कि अब रोड पार की जा सकती है, तभी रोड पार करें, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। लुक बोथ वेज, दोनों रास्तों को देख लो, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देख लो। तो दोनों तरफ की अंग्रेजी बोथ वेज। मेरी तरफ से, अरविंद मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। ऑन माई बिहाफ, उसकी तरफ से, ऑन हिज बिहाफ, उस लड़की की तरफ से, ऑन हर बिहाफ, ऑन माई बिहाफ, गिव इट टू हिम ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से ये दे देना। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो, यू आर सेइंग दिस, ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो, ऑन द वन हैंड यू आर सेइंग दिस, ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ यू आर सेइंग समथिंग एल्स। ये क्या बात हुई, एक तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। घर की तरफ, टुवर्ड्स द हाउस, सेंटेंस देखें, आई रैन टुवर्ड्स माई हाउस आफ्टर ब्लास्ट, ब्लास्ट होने के बाद भैया मैं तो भागा अपने घर की तरफ। दे लुक्ड एट ईच अदर, दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ध्यान रखने योग्य बात यहां पर यह है कि ईच अदर दो के लिए आता है। दे लुक्ड एट ईच अदर यानी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यदि कई लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो यहां वन एनदर आएगा, वन एनदर।
ईच अदर के स्थान पर वन एनदर आएगा। दे लुक्ड एट वन एनदर, कई लोग अगर दो से अधिक है, तीन भी हैं, तब भी यही आएगा, वन एनदर आएगा। ये केवल दो के लिए यूज होता है। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेस यू।